अस्सलाम वालेकुम, आप सबको हमारे तरफ से ईद मुबारक। उम्मीद है खूब इंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह हम सबकी दुआएं कबूल करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। चलिए फिर ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये है ट्यूसडे शाम, इफ्तार में वही फ्रूट्स और बॉयल चना था विद सब्स का शरबत, और जो पालक पनीर तीखा हो गया था उसको मॉडिफाई कर दी थी आंटी, और उसका पनीर राइस बन गया था, साथ में आम का चटनी। बस इफ्तार डिनर डन एक साथ। नेक्स्ट मॉर्निंग फजर पढ़ के वॉक के लिए निकल गए। कोई गाड़ी नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं, बस चिड़ियों और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। सुहाना मौसम, एक एनर्जाइज्ड एहसास होता है दिन की शुरुआत में। वापस आकर थोड़े ही देर में क्लीनिंग में लग गए थे, और आंटी तीसरी बार वही पालक राइस को मॉडिफाई कर रही थी। रात को मैं डिनर की थी इफ्तार के वक्त, लेकिन एक डब्बा चावल रह गया था। इंसान कितना खाएगा, लेकिन उनको बोलने से वो कहती है मेरा हाथ खुला हुआ है, मेरे से ज़्यादा पड़ जाता है, अब क्या बोलेंगे। एक राइस संडे को बना है, उसको हम मंडे ट्यूसडे और वेनसडे तक खा रहे, मॉडिफाई पे मॉडिफाई वो किए जा रही हैं और मैं खाई जा रही हूँ। दोपहर बच्चों को खाना खिलाकर हम खाना लेने निकल गए उन लोगों के लिए। ऊबर कर लिए थे क्योंकि ट्रैफिक हल्का रहता है, पर रहता ज़रूर है। लोग पहुंच गए हम। माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स आए हुए थे। मैंने बिलिंग किया, वापस ऊबर बुक किया और घर के तरफ आने लगी। यहाँ पे भैया मुझे पूछ रहे थे कि आप कैट सेल करती हैं, तो मैंने कहा नहीं, ये मेरे पेट्स हैं। और वाकई क्या मौसम का नज़ारा था, इतना खूबसूरत, इतना सुहाना हो रहा था माशाल्लाह कि कुर्ग याद आ गया। मैं तो शूट कर रही थी, लेकिन मैं उसके बाद रोक ली और मैं राइड एंजॉय करने लगी, बस और कुछ नहीं। बहुत प्यारा मौसम था। आ गया ईद। ये करीब 6:30 बजे का वक्त था, हम बाहर निकले थे। जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया, मुझे स्पाइन पेन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं 2-3 दिनों से फ्रीक्वेंट बाहर निकल रही थी, तो शाम को मेरे बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ गया। आज आंटी को ऑफ था और सारा काम मुझे करना था किचन का, तो मैंने जल्दी जल्दी रूम का पहले क्लीनिंग की और उसके बाद फ्रेश होकर किचन आई। जो नॉर्मल सा रूटीन होता है सफाई का, वो मैंने जल्दी से ख़त्म किया। दर्द मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, और मेरे साथ मेरा छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था टुन्नू। मैं टुन्नू से बात भी कर रही थी और मैं काम भी कर रही थी, और वो बार 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 मुझे बोली थी बाहर चलो बाहर चलो बाहर चलो, ऐसी बोलती रहती है। खैर मैंने डोसा डाला, उसके बाद मैं बाहर आके बैठ गई। यहाँ पे टुन्नू और कोनू के साथ मैं खेल रही थी, क्योंकि गैस पे चाय रखा हुआ था
और मुझे दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो पा रही थी क्योंकि मैं सुबह से लगी हुई थी ना, तो ज़्यादा देर तक मैं खड़े हुए काम नहीं कर पाती हूँ। आंटी आ जाती हैं तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा माशाल्लाह हेल्प हो जाता। बहरहाल मैं इन लोग के साथ खेल रही थी और उसके बाद हमारा नाश्ता रेडी हो गया, हम सब मिलके नाश्ता किए हैं। करीब 3:30 बजे मुझे लबे शिरीन बनाना था सिर्फ और सिर्फ नगमाबाजी के लिए, और हम फटाफट तैयारी किए और शुरू हो गए। और इत्तेफाक ये हुआ कि माजी हर साल ईशा के बाद तबरुक भेजती हैं, पर इस बार तबरुक शाम को 5 बजे ही आ गया था। खैर से मैं जल्दी बनाई थी, मैं सोची थी कि इसको फ्रीज़ करना है तब मैं उनको भेजूंगी, पर करना क्या था, गर्म ही था और इंजमाम आ गया था तो मैं उसको दे दी। फ्रूट्स मुझे डालना था लेकिन मैं सोची थी फ्रीज़ करने के बाद मैं डालूंगी, लेकिन इंजमाम आ चुका था तो मैंने वैसे ही मिलाकर दे दिया उसे, लेकिन शॉट लेना मैं भूल गई। आगे आप देखेंगे कि हांडी में कम हो गया है, पर मैं बाद में जाके देने के बाद जाके मैं उसका शॉट ली थी। तो ये थी हमारी छोटी सी कोशिश आपके साथ शेयर किए कैसा रहा हमारा ईद। उम्मीद है आप भी अपने अपनों के साथ खूब इंजॉय किए हैं, ऐसा ही खुश रहें और हमारे फैमिली को दुआओं में याद करें। हम सब इंसानों से मोहब्बत तो करते ही हैं, पर बेजुबान से करके देखिए, खुशियाँ और सुकून डबल हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। किशमिश के फैमिली को सपोर्ट करें एक लाइक और एक सब्सक्राइब देकर। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।